हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। अब ठंडों की शुरुआत हो चुकी है पूरे तरीके से, क्योंकि सुबह सुबह हल्का हल्का कोहरा भी पड़ने लगा है। देखो, और सब लोग लेट उठते हैं, वरना इस टाइम बज रहे अभी 7 और सब लोग बाहर होने चाहिए थे, अभी कोई भी नहीं है मेरे सिवा। हमारी डेली सुबह अच्छा बना रहे थे तुम, इतना अच्छा चाय बना के आप लोगों को बताना चाहूँगा। बादल भाई वैसे तो चाय सबसे अच्छी बनाते हैं, बाकी इन पर कुछ भी ऐसा बनाना नहीं आता। इतना चीनी मिलाते हो चाय में? चीनी किधर मिलाया, वो तो डब्बे के अंदर है। ओके, अबे मान जा हीरो बेटू। मामू सिंह, क्या हाल चाल? बढ़िया। योगा कैसी जा रही है आपकी? बढ़िया एकदम। सुबह क्या क्या सीख लिया योगा में? योगा में सीखे क्या करें, करे करें। कौन सी कर रही हो तो बताओ, किस चीज के लिए कर रही हो तो बताओ। अभी तेरे मास्टर ना हुए? No. अरे यार, तुम दोनों क्या है ये लालची दोनों? आ जा, वो दो तुम्हें, वो इनका यहाँ पर खाना रहता है, इनको चाहिए डेली सुबह सुबह। आ जा, बिस्किट दे दूंगा, ले पहले तू लस्सी डाले, ले शीरो, शीरो अच्छा है। दोस्तों, आज मैं बहुत टाइम से तैयार हो गया हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम निपटाना है और मैं नहीं चाहता कि मेरा ना काम बहुत सारा पेंडिंग हो रखा है, क्योंकि इवेंट के चक्कर में कुछ काम नहीं किया था और भी कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, शादी की भागदौड़ बहुत हो रही थी। लेकिन अभी मैंने सोचा कि यार अब शादी तक तो ना डबल एफर्ट डालना है हर चीज़ में, और कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना, क्योंकि यार अगर काम है तो सब कुछ है, काम ही नहीं होगा तो बस सब चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। और आपसे बिल्कुल टाइम पे व्लॉग आएंगे, जो हमारा टाइम है। आप एक बार ना कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग चाहिए किस टाइम, मतलब सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे, तो जो भी आप बोलोगे उस टाइम पर व्लॉग आपको रेडी मिला करेंगे। जितने भी हमारे पेंडिंग काम है सब आज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ताकि मैं सबको टिक मार्क कर करके डन करता जाऊँ। भाई साहब पेन दे दो। भाई साहब, ये भाई साहब हमारे आ गए गाँव से, और दोस्तों आपको एक बहुत अमेजिंग किस्सा बताता हूँ हमारे सुधीर का। नीतू जल्दी आ, तुझे किस्सा बता दो सुधीर का। अरे आ तो सही यार, बाद में कर लियो। सुधीर जरा, दोस्तों पता है सुधीर अभी अपने गांव गया था। जल्दी आ भाई, जल्दी आ। तो सुधीर अपने गांव गया, और गांव वालों ने इसको पता क्या बोला, गांव वालों ने बोला कि ये लड़का ना वह चोरी करता है, ये चोरी करता है, इसलिए वहां से इसको भगा दिया। ऐसे ही बोला। और पता क्यों बोला? पता क्यों? क्योंकि हमारे फेसबुक वीडियोस में आता है, तो किसी वीडियो में हमने इसे चोर बना दिया होगा। लोग सीरियसली लगे, बेचारा खुद को डिफेंड करते करते थक गया कि भैया वो वीडियो थी, मैंने चोरी नहीं की। और इसके जो दिल्ली में रहते ना रिलेटिव्स, उन्होंने भी बोला कि ये चोर नहीं है, इसने वीडियोस में एक्ट किया है वो, मगर वो मान ही नहीं रहे। तो अगर आप ये हमारा व्लॉग देख रहे हो तो बता दो, सुधीर एक बहुत ही ईमानदार लड़का है। इसने कोई चोरी नहीं करी भाई, कोई चोरी नहीं करी है। इसे बदनाम करना बंद करो। तूने चोरी करी कोई? और अगर चोरी की तो इसे वापस क्यों बुलाते यार? घूमने गया था, अच्छा खासा इंसान बेचारा, बेचारा सबको बोल रहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई मानने को तैयार नहीं ना, हमने वीडियो में देखा। यार सुधीर, अच्छा एक वीडियो में हमने से पुलिस वाला बनाया था, वो क्यों नहीं देखा आपने वीडियो? दोस्तों अभी नीतू के हाथ पे गरम चिमटा लग गया था, तो मैंने ठीक करने के लिए इसके हाथ पे मिर्च लगा दी है। कैसा लग रहा है नीतू? बहुत पेन हो रहा है, मेरी जो सास है बहुत ही वो है, खतरनाक। ये रही, इस सास ने अपनी बहू के जख्मों पे मिर्च और डाल दी। दहेज, आई वांट दहेज। ये हम एक वीडियो बना रहे हैं दहेज के ऊपर, फेसबुक के लिए, जो कि हम बनाते हैं आपको पता है सोशल मैसेज देने के लिए। बहुत अच्छा मैसेज जाएगा ये। हाँ, कैसे अत्याचार होता है लड़कियों के ऊपर, उसके ऊपर ये वीडियो बन रही है। अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ मम्मी? वो अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ? ये मेरा हाथ, ये है मिर्च, वैसे भी तो खाने में बहुत कम मिर्च डालती है ना। दोस्तों आप लोग तो जानते हो कि मैं छोले भटूरे बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन अपने घर के पास एक जगह से मैंने ट्राई करे और क्या स्वादिष्ट है ये, मैं तो दोबारा लेने आया उनको, और सबको अच्छे लगे। मतलब मैंने नीतू को भी टेस्ट कराया, घर में जितने भी लोग हैं सबको टेस्ट कराया, सबको अच्छे लगे। ये रहा मेरा फेवरेट छोले भटूरे, नीतू खा के देख बार। इसमें सिर्फ मैंने एक मिर्ची ली और ये प्याज ली, क्योंकि मैं नहीं खा सकती। अरे खा यार। नो, बहुत अनहेल्दी। फ्रेंड्स पता नहीं गुची को ना 2-3 दिनों से वॉमिट हो रही है, और वॉमिट कर रहा है बिल्कुल वो झाग वाली। तो शिल्पा ने बताया था कि इसको एक बार डॉक्टर के जरूर दिखाना, मतलब आज का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास मेरा, और मैं इसको लेके ही जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर ने फोन पे बोला मुझे कि शायद इसको ठंड लग गई है, लेकिन फिर भी यार एक बार ना जाके दिखा लेना चाहिए वहां पर। देखो इसने खीरे का क्या हाल करा है, अभी खीरा खाना सीख गया है अपनी अपने। देखो फूड कैसे इसने यहाँ पूरे में बिखेर दिया। चल भाई आ जा, चलो गुची डॉक्टर के पास है, इसको भी जरा भी अंदाजा नहीं है, इसके इंजेक्शन लगेंगे आज। पहचान गया गुची? पहचान गया इस जगह को? बेटा क्यों भाग रहा है? गुची को फीवर वीवर कुछ भी नहीं है, बिना बात ले आया इसको, बेचारे को चेक कराया। देखो मेरे हाथ का क्या हाल करा है इसने, ये पंजे मारने लगता है, क्योंकि ना यहाँ आते ही डरने लगता है, इसको पता है इस जगह इसके इंजेक्शन लगता है।
कुछ भी नहीं हुआ इसको, बिना बात इसके बेचारे के वो टेस्ट और कर लिया डॉक्टर ने सुधीर के कहने पे। चोर की वजह से। चोर चोरी करता है बेचारे के इंजेक्शन लगवा दिया। अब तो सुधीर भी ये काटेगा तेरे को सुधीर, याद रखियो। बेटा इंजेक्शन लगवा दिया आपके फालतू का। मैं और दीदी ये चलाने वाली है, मैं बताती हूँ आपको। मैं और दीदी बना रहे हैं नूडल्स चैलेंज। yes. अपने शॉर्ट वीडियो जीतूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी, देखते हैं कौन कमाता है। मुझे ना अभी तक हंसी आ रही है ये बात सोच सोच के कि सुधीर के गांव में इतनी बड़ी बात हो रही है और बेचारा सुधीर उसमें पिस रहा है। इट्स टाइम टू बाय बाय। बाय भाई, जल्दी मिलते हैं, जल्दी आ जा। ये मस्त है अपना यार, ये बिल्कुल मस्त है। इतनी अच्छी रील मैंने तुम्हारी बनाई है, कैसा लग रहा है तुम्हें? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नूडल्स बहुत स्पाइसी हैं ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं यार अब ये खाकर ही पता चलेगा कि ये एक्चुअल में स्पाइसी है या नहीं है, तो मैं इसके रिव्यू जरूर दूंगी। दीदी लेकर आई है लक्सू। ओ आलसी, मैं रील डाल रहा हूँ भाई, आप लोग बताना। मैंने बड़ी मेहनत से एक रील बनाई थी कल, तूने जो ना कहा सॉन्ग पर, प्लीज बताना कैसी लगी आपको। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो यार। रंजना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, ओ कौन तेरा। लगन देख भी नहीं रौनक रौनक के तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा। डांस टीचर थी ना उनकी, मदर इन लॉ की डेथ हो गई तो आ नहीं पा रही मुझे बहुत बुरा। मैंने उसको तो मैंने कब से बुलाया। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जो भी हमारे व्लॉग्स पे, हमारी इंस्टाग्राम की वीडियोस पे सबसे अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे, हम उनको वीकली कुछ ना कुछ गिफ्ट भिजवाएंगे अपनी साइड से। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और पिछली बार हमारा इंस्टाग्राम खासतौर से नीतू का कमेंटों से भर दिया, अब बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट थे। तो पिछले हफ्ते के जो विनर थे हमारे कमेंट्स के, उनका नाम है प्रतीक येलुकर। तो प्रतीक येलुकर भाई से मैंने उनका एड्रेस मांगा अभी इंस्टाग्राम पर और उनके लिए कुछ गिफ्ट जाएगा। आप लोग भी यार, मतलब आप लोग पीछे मत रहो, अगर आप लोगों को भी इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना है तो आप हमारे व्लॉग पर, हमारी रील्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी जो भी सबसे बेस्ट कमेंट होता है ना हर हफ्ते का, हम उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो आप लोग प्लीज़ पीछे मत रहना, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आप कौन सी रील पर कर सकते हो। हाँ गाइज, ये जो मैंने रील डाली है ना, बहुत मन से मैंने रील बनाई थी, आप अगर इस पर जाके कमेंट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, इसके कमेंट्स भी काउंटेड होंगे, मतलब आप इस पर भी कुछ कर रहे हो तो कुछ कमेंट अगर अच्छा लगता है तो आप हो सकता है नेक्स्ट वीक आपके पास भी गिफ्ट आ जाए। एक बार व्लॉग ये वीडियो देखो अगर आपको अच्छी लग रही है तो। इसमें ये थोड़ी एक्टिंग के ऊपर है वीडियो, और के सर का जो सबसे अच्छा सॉन्ग मुझे लगता है तूने जो ना कहा, मतलब बहुत सारे अच्छे हैं लेकिन वन ऑफ द बेस्ट उसके ऊपर ही बनाई गई थी। तो भाई और बहनों, पीछे कोई नहीं रहना, जाके जल्दी से लाइक कर देना और जाके जल्दी से कमेंट कर देना हमारे इंस्टाग्राम पर है खास तौर से ये, क्योंकि इंस्टा वाले कमेंट्स ना हम पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते तो फेसबुक वाले भी हैं, यूट्यूब वाले भी हैं, लेकिन इंस्टा वाले दिखते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाके इंस्टा पर ढेरों प्यारे प्यारे कमेंट करना, नीतू के पोस्ट पर, मेरे पोस्ट पर, और हम वीकली कुछ ना कुछ आपको भिजवाते रहेंगे अपनी साइड से। तो दोस्तों, आज का व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, व्लॉग का कमेंट तो यहाँ भी कर सकते हो आप। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, बाय बाय। और टाइम पर आएगा व्लॉग पक्का।